माधुरी दीक्षित ने लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने कहा है कि ना ही तो वो कॉन्टेस्टिंग कर रही हैं लोकसभा इलेक्शंस में और ना ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स वायरल हो रही थी कि लोकसभा इलेक्शंस में पुणे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको अप्रोच किया गया है और वो इलेक्शंस लड़ सकती हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित ने हाल ही में साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। माधुरी दीक्षित ने अपने इंटरव्यू में कहा, ये सिर्फ एक र्यूमर है, मैं किसी भी पार्टी के लिए कॉन्टेस्टिंग या फिर कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। तो वहीं मैं ये आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये सभी खबरें र्यूमर्स हैं, फेक हैं। तो वहीं माधुरी दीक्षित ने आगे ये भी कहा, आई थिंक देयर आर थ्री ऑफ अस who were roped in for a rumor and I clarified it. यानी कि उनके अलावा तीन और लोग थे जो कि ऐसे ही rumors का शिकार हुए। खैर, माधुरी दीक्षित के अगर work front की यानी कि Bollywood projects की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित busy चल रही हैं अपनी मराठी production की film 15th August को promote करने में और ये film release होगी 29 मार्च को Netflix पर। और माधुरी दीक्षित अब जल्द ही आपको film कलंक में नजर आने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि माधुरी दीक्षित का रोल फैंस को कितना पसंद आता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अजय रिपोर्ट।